भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपना 44वां स्थापना दिवस कसरावत भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर भी झंडा वंदन कर मनाया गया एवं लाडली बहना योजना प्रचार रथ को भी रवाना किया गया। साल 1980 में आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी। इससे पहले इसका नाम जनसंघ था, जिसका 1977 में भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया था। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर वरिष्ठ नेता एवं सभी कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन को लाइव प्रसारण टीवी पर सुनाया गया। भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व की 44वीं सालगिरह मनाने के लिए बीजेपी की योजना बेहद बड़ी है। आज से पूरे प्रदेश में लाडली बहना योजना का प्रचार प्रसार हर बूथ स्तर पर किया जा रहा है, जहां आज स्थापना दिवस के मौके पर प्रचार प्रसार के लिए दो वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। आज भारत उस बजरंग बली की तरह से, उस बजरंग बली की महाशक्ति की तरह अपने अंदर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है। आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने, उनका मुकाबला करने में पहले से कहीं ज्यादा सक्षम है। हनुमान जी के ऐसे ही कई गुणों से हम सभी भाजपा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी निरंतर प्रेरणा पाते हैं। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। आज भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस मध्य प्रदेश, पूरे देश के हर प्रत्येक मतदान केंद्र पर मनाया जा रहा है। आज यहाँ पर भी कसरावत नगर के बूथ क्रमांक 41 पर सभी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के द्वारा पहले यहाँ पर हमारा झंडा वंदन किया गया। झंडा वंदन करने के बाद मोदी जी का संबोधन आया, उस संबोधन को सब लोगों ने सुना यहाँ पर, और आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। लाडली बहना का रथ भी निकलने वाला है, तो इस योजना को बहुत ज़्यादा आगे। मध्य प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी और शासन प्रशासन के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है। ऐसे ही हमने आज ये लाडली बहना, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण और उनको सशक्त बनाने के लिए जो योजना चालू की है, उसके प्रचार प्रसार के लिए रथ यहाँ से रवाना किए जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।